डॉक्टर बाइनॉक्स, डॉक्टर बाइनॉक्स। ओह कैसे हो दोस्तों। पिज्जा का सबसे अच्छा हिस्सा होता है उसका क्रस्ट। यम्मी। बिल्कुल इस पिज्जा की तरह धरती का भी क्रस्ट होता है, लेकिन इसमें कोई चीज नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, आज धरती के ढांचे के बारे में जानते हैं। इसमें होता है क्रस्ट, मैंटल और कोर। आ जाइए, ये है अर्थ का क्रस्ट। इसमें हर तरह के पहाड़, मिट्टी और वो सब कुछ होता है जो आप धरती के ऊपर से देख सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि क्रस्ट ही वो जमीन है जिस पर हम चलते हैं। ये समंदर के नीचे के क्रस्ट से 3 गुना मोटी होती है और होती है करीब 40 किलोमीटर तक। धरती का क्रस्ट इस लेयर पर तैरता है जिसे कहते हैं मैंटल। ये मोटी सख्त पत्थर जैसी चीज का बना होता है और धरती के कुल भार का 85% होता है। मैंटल के 80 किलोमीटर के अंदर आने वाले पहाड़ काफी सख्त होते हैं। अगले करीब 241 किलोमीटर बहुत ही गर्म और सख्त पत्थरों के बने होते हैं। इसके नीचे 2 किलोमीटर तक माना जाता है कि धरती का मैंटल बहुत ही सख्त और मजबूत पत्थर जैसी चीजों से बना हुआ होता है। मैंटल करीब 2800 किलोमीटर मोटा होता है और धरती की सबसे बड़ी परत होती है। धरती का बाहरी कोर बहुत ही गर्म और पिघली हुई चीज से बना होता है जिसे कहते हैं लावा। माना जाता है कि लावा लोहे और निकल का बना होता है। और दोस्तों ये धरती के नीचे करीब 4800 किलोमीटर तक होता है। और आखिरकार हम पहुंच गए हैं धरती के सबसे निचले हिस्से पर। और दोस्तों ये धरती के बीच में करीब 1400 किलोमीटर तक जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये अंदरूनी कोर एक सख्त गेंद है जो आयन और निकल की बनी होती है। ट्रिविया टाइम। दोस्तों ये क्रस्ट धरती का 1% है। ये अंदरूनी कोर धरती का सबसे गर्म हिस्सा होता है और सूरज की सतह जितना ही गर्म होता है। क्यों है ना हैरान करने वाली बात। दोस्तों अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। इससे पहले कि मैं सूरज में जल जाऊं मैं चलता हूं। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और मजेदार बातों के साथ।